कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कश्मीरी हिंदुओं को लेकर दिए बयान और अपनी पुस्तक में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं कांग्रेस और उनके नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आप मंदिरों में जाकर अपना गोत्र बताकर हिंदुत्व होने का आचरण करते हैं और आपके नेता हिंदुत्व पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, यह आपकी सोच को दर्शाता है। हिंदुत्व न तो एक धर्म है ना ही जाति है, बल्कि हिंदुत्व एक जीने की राह है, जिसकी सलमान खुर्शीद के द्वारा इंसल्ट की गई है। इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का क्या कार्रवाई करेगी? देखो, इसमें सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जाके आप जहाँ हिंदू मंदिर है आप अपने गोत्र वगैरह बोल के उच्चारण करके आप हिंदू बोलते हैं और कई कई जाके आप हिंदू आचरण का दिखाव करते हैं और हम भी हिंदू है, हम भी प्रो हिंदू है, ऐसे भी आप लोग भाषण देने का और उपदेश देने का कोशिश करते हैं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले ये बताइए देश को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड श्रीमती सोनिया गांधी टू स्पेल आउट व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक अगेंस्ट दिस मैन हु हैज इंसल्टेड द एंटायर हिंदू फीलिंग एंड इवन ही हैज इंसल्टेड द हिंदुत्व। हिंदुत्व इज नॉट ए जस्ट ए कास्ट, इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। तो हिंदुस्तान इसको महात्मा गांधी जी से लेके उनके ही पार्टी का बहुत लोग जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग इसको हिंदुस्तान ही बोलते थे। वो हिंदुस्तान का हिंदुत्व अपमान करना, हिंदुओं को अपमान करने के लिए सलमान खुर्शीद के ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं क्या, ये प्रश्न को उत्तर देना चाहिए। वहीं सलमान खुर्शीद की टिप्पणी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस का आचरण है। कांग्रेस राम को नकार सकती है तो और क्या नहीं कर सकती। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किया। इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को जवाब देना चाहिए कि खुर्शीद का यह बयान सही है या गलत। यदि सही है तो कांग्रेस का यही आचरण, यदि नहीं तो खुर्शीद के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कि ये कांग्रेस है, राम के अस्तित्व को नकार सकती है तो बाकी क्या करेगी। ये तो कांग्रेस है, ये इस हिंदुत्व पर हमेशा इसने प्रहार किया है। हिंदुत्व को लेकर हमेशा से इन्होंने हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किया है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छी बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने के बाद इन्होंने शिवालयों में जल चढ़ाने का कार्यक्रम तो रखा, वरना तो आप जानते हो कि कभी कभी जब अब थोड़ा सा इनमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था, कहीं ये जनेऊ दिखाते थे, कहीं अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए मंदिरों में जाना, लेकिन जो सच्चाई है वह कभी कभी सामने आ ही जाती है। सलमान खुर्शीद के रूप में सामने आई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनका जवाब देना चाहिए कि जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो ठीक है या नहीं है। यदि ठीक है तो उनका चरित्र यही है, नहीं है तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए,